Good morning, children. Today we will learn maths magic in verb. Okay, open your maths magic verb. Lesson number one: shape and space. Shape का मतलब होता है आकार और space का मतलब होता है जगह. ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट पेज पे? Fill in your favorite colors in the following picture. मतलब इस पिक्चर में आपकी मन चाहे कलर भर दो. जैसे क्लाउड में ब्लू कलर, बर्ड में रेड कलर, झाड़ में ग्रीन कलर, ट्री में ग्रीन कलर, बोट में ब्लू कलर, सी में ब्लू कलर, जैसे आपको ठीक लगे. ओके, तो ये आपका होमवर्क है. आपको ये पिक्चर कलर कंप्लीट कलर करना है. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. Inside and outside. Observe the picture and put right for inside and wrong for outside in the given. अब जो पिक्चर इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है उसको आपको राइट करना है और जो बाहर की तरफ है आपको रॉन्ग करना है. ओके, नंबर टू, नंबर टू रॉकी. अब ये है डॉग जो इनसाइड है, तो इनसाइड वाले को करना है राइट और आउटसाइड वाले को करना है रॉन्ग. ठीक है. नाउ कैट नंबर 3. नंबर 3 में पिक्चर है कैट. आउटसाइड वाले को करना है हमको रॉन्ग और इनसाइड वाले को करना है राइट. ओके, अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. टॉय शॉप. अब इसमें इनसाइड कौन है और आउटसाइड कौन है? इनसाइड शॉपकीपर है और बॉय है, तो हमको क्या करना है उसको राइट और आउटसाइड को रॉन्ग. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. बिगर एंड स्मॉलर. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द बिगर एंड रॉन्ग फॉर द स्मॉलर. अब राइट हमको बड़े पिक्चर को राइट करना है और स्मॉल पिक्चर को रॉन्ग करना है. तो ये है मॉप. अब मॉप कैसा, कौन सा है, बड़ा है या छोटा? पहले वाला छोटा. तो छोटे को क्या करना है हमको रॉन्ग और बड़े को राइट. ओके, अब बैट. फर्स्ट नंबर का बैट बड़ा है तो हमको क्या करना है राइट और सेकंड नंबर का स्मॉल तो हमको करना है रॉन्ग. नेक्स्ट कैंडल. फर्स्ट कैंडल कौन सा है? बिगर तो हमको करना है राइट. सेकेंड कैंडल है स्मॉलर तो हमको करना है रॉन्ग. अब नेक्स्ट है पेंसिल. बिगर कौन सा है? फर्स्ट. और स्मॉलर कौन सा है? सेकेंड. तो हमको रॉन्ग करना है. ओके, इसी तरह से आपको ये पूरा पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, डू एज होमवर्क. Right? This also. Next page. Page number 10. अब page number 10 में क्या लिखा है? Biggest and smallest. सबसे बड़ा और सबसे छोटा. Observe the pictures and put right or for the biggest. Right biggest के लिए करना है and wrong for the smallest. और wrong किसके लिए करना है? छोटे के लिए. ठीक है? In the given. Okay. अब हम start करते हैं. सबसे बड़ा क्रेयन का है फर्स्ट नंबर पे, हम इसको करेंगे राइट. और सबसे छोटा कौन सा है? थर्ड नंबर पे, इसको करेंगे रॉन्ग. ओके, अब ये एग्जांपल आपको देखकर पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 12 पे करना है. ओके, डू एज होमवर्क. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. टॉप, ऑन, अबाव और बॉटम. टॉप, टॉप मतलब सबसे ऊंचा, ऊपर. ऑन मतलब उसके ऊपर और अबाव, अबाव मतलब भी ऊपर ही होता है. बॉटम मतलब नीचे. टॉप का मतलब ऊंचा, ऑन मतलब चढ़ना और अबाव मतलब उसके ऊपर. ठीक है, तो
अंडर और बिलो मतलब नीचे और ऊपर. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द टॉप ऑन अबव एंड रॉन्ग फॉर द बॉटम अंडर बिलो. बॉटम मतलब नीचे की तरफ और बिलो मतलब आगे की तरफ. अब ये टॉप, ये पहला पिक्चर है, टॉप है इसमें, ऑन है और अबव है, ठीक है. तो इसमें आएगा हमको राइट. और सेकेंड पिक्चर में है बिलो और अंडर, अंडर और बॉटम. तो फिर ये क्या है, अबव बॉटम, बॉटम में रॉन्ग, ठीक है ना. अब नेक्स्ट, अब ये है ट्री. ट्री देखो ऑन है, ट्री के ऊपर है तो आएगा राइट. और दूसरा है अंडर, ट्री के नीचे है तो आएगा रॉन्ग. अबव और रॉन्ग, ऑन और अंडर, ठीक है. अब नेक्स्ट, अब ये रैट है. रैट कहाँ पर है, ऊपर टॉप पर है तो आएगा राइट. और कैट कहाँ पर है, बॉटम बिलो अबव है, अंडर बिलो बिलो है तो आएगा रॉन्ग. ओके, अब नेक्स्ट, इसी तरह से आपको ये भी कंप्लीट करना है. टॉप राइट और बॉटम रॉन्ग, टॉप राइट और बॉटम रॉन्ग, इसी तरह से आपको पेज नंबर 14 भी कंप्लीट करना है. ओके, अब नेक्स्ट पेज, ठीक है. आज के लिए यहाँ तक ही हम रीड करते हैं, आपको लेसन कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.